मरकुस की अंजील बाब नंबर 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं, तो राह में थक कर रह जाएंगे और बास इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाए और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4,000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिर फौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा, इस जमाना के लोगों को क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाना के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया, और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास 1 से ज़्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि हबरदार, फरीसियों के हमीर और हेरोदीस के हमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं, मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बास एलिया और बास नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में
उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी हुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा, क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और हताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। आमीन।